हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हो कि हम रियल एस्टेट एजुकेशन पर काम कर रहे हैं और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि हमने एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर आज का वीडियो जो निर्धारित है। तो मैं आज का जो सक्सेस स्टोरी है वो उनको हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठी है जिनको मैं आपके साथ मुलाकात कराने में अपना सौभाग्य समझता हूँ, और मैं समझता हूँ आई एम वेरी लकी कि हमारे साथ जो ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और इनकी सक्सेस स्टोरी से आप 100% अब कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ हैं मनदीप सिंह बराड। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मनदीप सिंह बराड, यू आर वेलकम टू माई शो। और मनदीप सिंह बराड, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप रियल स्टेट में कैसे आए, क्योंकि मेरे को पता है आपके फादर रियल स्टेट में नहीं है, आपका कोई और नियर एंड डियर रियल स्टेट में नहीं है, तो और भी कोई सर्कल में भी रियल स्टेट में नहीं था, लेकिन आपने रियल स्टेट में आने का जो फैसला लिया वो कैसे लिया? एक्चुअली अंकल, जदों असी ग्रैजुएशन मैं कंप्लीट कर रहा सीगा अपनी जी, तो ग्रैजुएशन कंप्लीट करन तो बाद साडा जिहड़ा फ्रेंड सर्कल सीगा उस तो विच मोस्टली लोग जिहड़े मेरे फ्रेंड्स सीगे वो ज़्यादातर कैनेडा अमेरिका चले गए सीगे जी, बाहर चले गए सी। और उस टाइम मैंने दो चीज़ा ही समझ आ रही सी भी जां तां मैं बाहर चला जावां जी, तो जां पिंड जाके अपनी खेती दे विच हत्थ बटावां परिवार दे विच फादर साहब नाल जी। पर एक दिल दे विच कितने कितने एक चीज़ सीगी भी कोई ना कोई अपना काम जरूर करना हैगा जी, जिहदे नाल अगे जाके आपां वधिया काम कर सकीए जी। तो मेरे एक फ्रेंड है जी, बड़े वधिया मेरे पार्टनर भी है नवजोत जी, उन्होंने काम शुरू किया होया सी मेरे तो 6 महीने पहला, तो उन्होंने मैनू कहा भी आपां रियल स्टेट का काम बहुत वधिया हैगा भी आपां मिलके शुरू करदे आं, ठीक है। तो उन्होंने नाल मिलके फिर असीं इह काम शुरू किया सीगा जी। वाह जी वाह। अच्छा, अगला सवाल जो मेरा है कि लोग ये समझते हैं कि रियल स्टेट बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, और थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये, मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा बदनाम टाइप भी है। और दूसरा, इसमें जो एक धारणा पाई जाती है कि बिना पैसे के बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता, रियल एस्टेट में बिजनेस करने का मतलब है आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। ये मेरे को पता है कि आपके पास करोड़ों रुपये नहीं थे, क्योंकि आप जब स्टूडेंट लाइफ से निकले मेरे को ये पता है आपने घर से पैसा नहीं लिया कोई, और थोड़ा बहुत शायद माइनस में थे आप। तो माइनस में से मैनेज करते हुए, मतलब एक तो होता है कि यार मेरे पास 5 लाख रुपया था, यदि मेरे पास 5 लाख रुपया कर्जा हो तो मैंने कैसे, मतलब मैं अपना हौसला, मतलब मेरा पैदा हुआ मेरे अंदर कि मैं फिर भी रियल एस्टेट करना चाहता हूँ। तो ये इस बात का जवाब यदि आप देते हो तो मेरे व्यूअर्स जो है जो ये सोच के बैठे हैं कि बिना पैसे के काम नहीं हो सकता, तो उनको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये अंकल इस तरह जी, जे तो आप सोचेंगे भी हालात जिमें आप चाहते हैं सारिया चीज़ा ठीक हो आप काम शुरू करा, तो इस तरह कदम भी नहीं होंगे, ठीक है। देखो हर बंदे को शुरू के प्रॉब्लम्स बहुत होंगे जी, मेरा खेती दे नाल साडा बैकग्राउंड सीगा और खेती दे विच एक साधारण किसान परिवार सीगा और पैसे साडे कोले है नहीं सी उस टाइम ज़्यादा जी, पर फिर भी एक चीज़ सीगी दिल दे विच भी कुछ ना कुछ करना जरूर है जी। तो असी उस चीज़ में एक बड़ा छोटे लैवल तो शुरू किया जी, छोटे लैवल तो असी एक दो उत्थे प्लॉट असी बुक कर लेंदे हुंदे सी, उन्हां दा बयाना वगैरह दे के वो असी अगे सेल कर देंदे हुंदे सीगे, और एक तकरीबन एक साल तक असी इसे तरह वह काम करते रहे। एक साल वो काम करन तो बाद जो साडे कोल थोड़ी बहुत सेविंग उहदे विचों हो गई, तो फिर असी उस तो बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया सीगा जी, वह भी बड़े छोटे लैवल तो किया सीगा, असी डुप्लैक्स हाउस बनाने शुरू किए सीगे। तो शुरू दे विच मैं लगता भी छोटे लैवल तो शुरू कर लेना चाहिए जी, काम जरूरी नहीं हुंदा भी अपने कोल जदों बहुत पैसे होणगे तो आप एक वड्डे लैवल ते काम शुरू करांगे, तो उस चीज़ ये भी छोटे लैवल तो शुरू कर। तो आज मैं समझता हूँ मनदीप बराड़ एक बहुत अच्छा नाम है, खरड़ में बिल्डर है, बहुत 9 होम्स आपका मतलब ब्रांड नेम बन चुका है, हर आदमी जानता है, और कई आपने इसमें मतलब प्रोजेक्ट कर लिए हैं। क्या आपको कभी सक्सेस पाने के लिए कभी कोई मतलब ज़िंदगी में डर नहीं लगा कि मैं, मेरे लिए नया काम है, मैं फंस जाऊंगा या मैं कुछ मेरा नुकसान और ना हो जाए, तो क्या ऐसी कभी सिचुएशन आपको आई? हाँ जी सर, शुरू के ना देखो प्रॉब्लम्स हर काम के आदि जी, जो आप नवे होइए तो और अपन एक्सपीरियंस नहीं होंगे किसी चीज़ का जी उस तरह, पर जो थोड़ी जिंदगी ना गोल बड़े क्लीयर होंगे, थोड़ा फोकस अपने गोल के होंगे, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स छोटिया लगदियाँ जी, थोड़ा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं,
ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਵੀ ਲਿਖਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਜਨੂਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਆਪ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆਪਨੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਤੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट को हाथ डालना मतलब निहत्थे आदमी को छेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है जो लोगों में धारणा बनी हुई है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमें मतलब नॉलेज नहीं है या हमारा पैसा फंस ना जाए क्योंकि जिंदगी पूरी जिंदगी भर की कमाई है जो आपके साथ आदमी लगाते हैं जो रियल स्टेट एजेंट हैं मैं उनको देता हूँ अपनी किताब में मैंने कहा है फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनके वो तो आपको इस चीज को इस गैप को पूरा करने के लिए आपने क्या किया शुरू दे विच अंकल जो असी काम शुरू किया तो मैनू भी बड़ा डर लगता हुंदा सी और असी नेचुरली गलतियां भी बहुत कीतियां जी पर हौली हौली मैनू फिर एहसास होया भी मैनू अपने काम नू एक प्रॉपर तरीके नाल सीख के करना चाहिए जी तो फिर मैं काम नू सीखना शुरू किया जी थोड़ी बुक्स प्रॉपर्टी कारोबार तो खुशहाली वो पढ़ी रिच डैड पुअर डैड होर बहुत सारिया बुक्स जिन्हिया भी मैं मार्केट चो मिली बुक्स मैं कोशिश की कि मैं हर बुक्स पढ़ा और उस चीज़ ना फिर मेरा एक हौसला बड़ा वधिया जी बिंद्रा की ट्रेनिंग भी ली है हाँ जी हाँ मैं फिर जिन्हिया भी इतने ट्रेनिंग्स दो तीन ट्रेनिंग होर सी जी वो ली हाँ उस चीज़ नाल ना जी एक थोड़ा हौसला बड़ा वध है जी थोड़े कॉन्फिडेंस आता है फिर वो चीज़ों प्रॉब्लम्स नू मैं एक होर तरीके नाल लैन लग पिया हाँ मैं यही गल करना चाहता जो तो थोड़े जब आपके पास कोई कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कोई मतलब एजुकेशन आ जाती है तो आप जो सामने वाली समस्या दिक्कत है उसको देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है हमारी प्रॉब्लम यहाँ होती तो हमारा कद यहाँ हो जाता है बिल्कुल प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और हमारा कद बड़ा हो जाता है ये एजुकेशन का ही कमाल बिल्कुल सर तो दोस्तों देखो आपने मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में एक चैप्टर दिया हुआ है लर्न बिफोर यू गो टू अर्न वो 8 या 9 पेज का चैप्टर है और उसमें मैंने बेसिक चीज़ें दी हैं कि कैसे आपने डील करना है कैसे किस तरीके से सामने वाले बंदे को मिलना है किस तरीके से कागज़ पत्रों की नॉलेज लेनी है सो ये मनदीप राठ इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने बिल्कुल फ्रेश होने के नाते बिल्कुल नए थे और नए होने से इतना बड़े बिजनेस में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद जो इनको घबराहट हुई घबराहट दूर करने के लिए इन्होंने किताबों का सहारा लिया और ट्रेनिंग का सहारा लिया मेरी किताब भी पढ़ी इन्होंने थैंक यू वेरी मच मंदी मेरी किताब पढ़ने के लिए और उसके बाद फिर जैसे जैसे इनका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ये कॉन्फिडेंस ही इनको फिर जो गुब्बारे की तरह हवा जो गुब्बारे में भर जाती है वो उसको ऊपर तक लेके जा रही है तो ये जो किताबों का ज्ञान है या मतलब आप ट्रेनिंग लेते हो या आप किसी ऐसे दोस्तों के साथ मिलते हो जिनके पास नॉलेज है जब आप उनके साथ मिलके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हो तो ये इसमें गुब्बारे में भरी हुई हीलियम के बराबर हो जाती है तो आप बाहर ऊपर निकलने शुरू कर देते हो तो आप लोगों की नज़रों में आना शुरू कर देते हो मैं हमेशा कहता हूँ पीपल फॉलो टॉप डॉग्स बट फेवर अंडर डॉग्स मतलब लोग अपने से ऊपर वाले आदमी को ही मतलब उसका जो साथ करना पसंद करते हैं मतलब उसके पीछे लगना पसंद करते हैं जो छोटा आदमी है उससे छोटा आदमी उसके साथ उनकी हमेशा हमदर्दी रहती है सो मनदीप ने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और आज मनदीप ने कितने प्रोजेक्ट हैं जो मतलब करे हैं और कंप्लीट कर चुके हैं बेच चुके हैं सेल कर चुके हैं और मनदीप का आज कॉन्फिडेंस है जो इनके लिए मतलब बहुत मैं समझता हूँ हीलियम के बराबर है और इनके साथ जो अभी इन्वेस्टर्स की टीम है इन्वेस्टर का मतलब बंचेस ऑफ इन्वेस्टर्स इनके पास इन्वेस्टर की कमी नहीं है इनके पास अपनी टीम की कमी नहीं है और इनके पास एम्प्लाई की कमी नहीं है इन्होंने मतलब एक जीरो टू हीरो इन्होंने बन के दिखाया सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी ये इंटरव्यू है आप आखिर तक देखें ताकि आपके आपकी जो आपके दिमाग में कुछ सवाल है किसी तरह के भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाए हाँ मैं मनदीप से एक सवाल और करना चाहता हूँ मनदीप जी ये बताओ जब आप किताबें नहीं पढ़ते थे मतलब रियल एस्टेट का काम शुरू कर लिया लेकिन आपके पास नॉलेज कम थी किताबें पढ़नी शुरू नहीं की थी ट्रेनिंग लेनी शुरू नहीं की थी तो उसमें और आज में ये क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो सर बहुत ज़्यादा फर्क है जी देखो कई बार की होंगे आप एक एवरेज काम करके एक्सट्राऑर्डनरी रिजल्ट की उम्मीद करते होंगे जे सानू रिजल्ट बहुत वधिया चाहिए तो सानू अपना काम भी बहुत वधिया ही करना पऊगा
ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕੰਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ने कैसे किताबों के पढ़ने के बाद ट्रेनिंग लेने के बाद इनका कॉन्फिडेंस कैसे हाई हुआ और इनकी जो इनकम है वो कैसे हाई हुई। सो आपने जब भी आपके पास कोई डाउट्स हैं कुछ और हैं आपने डाउट्स क्लियर करने के लिए किताबों का सहारा लेना है अपने दोस्तों का सहारा लेना है अपने जानकारों का सहारा लेना है। जानकार का मतलब ये नहीं कि हमने अपने मामा जी के बेटे का सहारा लेना है उस सब्जेक्ट का जानकार हो जिसमें आप उसकी सलाह करना चाहते हो। यदि आप रियल स्टेट के मतलब कोई रियल स्टेट में सलाह लेना चाहते हो तो आपको ऐसे बंदे की तलाश होनी चाहिए जो रियल स्टेट में मास्टर हो जो रियल स्टेट की बात कर सके जो रियल स्टेट के सवाल का जवाब दे सके। सो दोस्तों कोई भी काम करने के लिए यदि हमें घोड़सवारी का शौक़ है तो हमें घोड़ा सीखना पड़ेगा। मेरे घर पे कोई आदमी आके मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी कर दे और मेरे को चाबी दे जाए यदि वो मेरे को चलानी नहीं आती मेरे को कंट्रोल करनी नहीं आती मेरे को उसका सिस्टम नहीं पता तो मैं वो गाड़ी चलाने की बजाय मैं कहीं ना कहीं अपना भी एक्सीडेंट कर लूँगा और किसी ना किसी दूसरे की जान को भी जोखिम में डाल दूँगा। सो मेरा मतलब ये है कि जो मनदीप का मैसेज है कि जो भी काम करना है वो सीख के काम करना है। यदि हम सीख के काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी बेटर होगा हमारा कॉन्फिडेंस भी बेटर होगा हमारा जो सामने वाले बंदे जो हमारे परचेजर आते हैं सेलर आते हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती है वो भी प्रभावित हो गया। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो इन्होंने मनदीप के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपकी एजुकेशन है आपने एजुकेशन लेनी है और आगे बढ़ना है। मनदीप एक आम धारणा नहीं हुई है कि आजकल प्रॉपर्टी में बहुत मंदा है ग्राहक नहीं मिलता जी हम तो ये हो गया जी हम बर्बाद हो गए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3% ਜਾਂ 5% ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10x ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰ ਮਨੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ यदि हम कस्टमर की नीड का ध्यान रखेंगे तो कस्टमर हमारा ध्यान रखेगा बिल्कुल तो फिर मंदे वाले तो बात ही नहीं है बिल्कुल। यदि आप लोगों का इंटरेस्ट छोड़ के अपने इंटरेस्ट के लिए काम करोगे अपनी जेब के लिए काम करोगे तो लोग आपको इतनी तवज्जो नहीं देंगे नहीं। जब आप लोगों के लिए काम करोगे तो लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे और आपको मंदे का एहसास नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर बिल्कुल लोगों की प्रॉब्लम नु समझ के उन्होंने हल करना अपना पहला काम है जी। yes. जदों वो चंगे तरीके नाल करांगे तां पैसा ते इक बाय प्रोडक्ट आ तुहाडे कोले आ ही जाणा है जी वो बाद दी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने दोस्तों देखा कि हमने कस्टमर नीड को प्रायोरिटी पे कैसे लेना है ये नहीं कि हमने लोगों के पीछे लग जाना है और मेरे मामा जी ने ये फ्लैट ले लिया उसने ये फ्लैट ले लिया हम उसके पीछे लग के देख रहे हैं और उसका हमने कोई उसकी हिस्ट्री नहीं देख रहे। मैंने ये देखा है मैं ये अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप अपने किसी दोस्त को इन्वेस्ट करवाना चाहते हो या खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसकी हिस्ट्री जरूर देख लो कि 2 साल 3 साल 4 साल में उसमें क्या मतलब रेट में अप्रिसिएशन हुई है क्या कुछ वहाँ से लोगों ने कमाया क्या कुछ गुमाया कितने लोग उसमें फंसे हैं मतलब रियल स्टेट वर्सेस फेक स्टेट। मैंने एक मतलब अपनी इसमें मतलब 27 साल के तजर्बे में मैंने ये नोट की है टर्म कि रियल स्टेट भी है एक फेक स्टेट भी है। फेक स्टेट वो है जो हम लोगों के पीछे लग के वहाँ जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं और रियल स्टेट वो है जो हम रियल स्टेट इन रियल सेंस जहाँ पर हम डिवेल्प करते हैं या अपने मतलब इन्वेस्ट करते हैं जो रियल स्टेट इन रियल सेंस है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं कर सकता। सो जो दूसरा मनदीप जी ने कहा मनदीप के आप कस्टमर को यदि अपने दिमाग में रख के चलोगे तो आप अपने आप कस्टमर के दिमाग में घुस जाओगे और कस्टमर आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने देगा क्योंकि कस्टमर इज द किंग। जिस आदमी के साथ किंग है तो वो फिर कहाँ उसको मार कभी नहीं पड़ सकती। हाँ मनदीप जी आपने जो रियल स्टेट में काम शुरू किया था 2012 में शुरू किया हाँ जी
तो 2012 को ऑलमोस्ट आज 8 साल हो गए हैं। हाँ जी, तो आपने कितने प्रोजेक्ट कर लिए? सर असी 4 प्रोजेक्ट तो डिलीवर कर चुके हैं जी। 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। हाँ जी, डिलीवर कितने के कितने कितने मतलब यूनिट के? सर उहदे विच शुरू दे विच तां असी 12 यूनिट दा सीगा एक प्रोजेक्ट, उस तो बाद फिर असी 50 यूनिट दा सीगा, जिहड़ा पिछे सीगा वो 120 यूनिट सीगा उहदे विच जी। 120 यूनिट नूं 3 नाल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 360। और एक प्रोजेक्ट साडा हुण चल रहा हैगा जी, और 2 प्रोजेक्ट असी आने वाले 1.5 to 2 महीनों के विच शुरू कर रहे हैं जी। सो तो दोस्तों देखा आपने, 8 साल में 35 साल की उम्र में कैसे कोई आदमी 500 के आसपास घर डिलीवर कर सकता है। और दोस्तों यदि आप भी मनदीप बराड़ जैसे बनना चाहते हो, इनका नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, इनके पास जाके अपनी कोई बात रख सकते हो, इनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और नहीं तो कुछ आपको कोई डाउट्स हो तो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। सो दोस्तों मैं मनदीप को प्रमोट करने के लिए नहीं बिठाया मैंने यहाँ पर, आपके जो डाउट्स हैं, जो ज़्यादा डाउट है, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग की हमारी हैबिट है, उसको दूर करने के लिए मैं मनदीप जी से बात कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो इंटरव्यू से आपको फायदा होने वाला है वो स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई भी लिमिट नहीं है उसकी, मतलब आसमान से भी ऊपर की ऊंचाइयों आप ऊंचाइयों को आप छू सकते हो। सो अगला सवाल जो मेरा मनदीप जी के साथ है, तो मनदीप जी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे किताब के मेरी किताब के पाठक हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी, मैं दर्शकों को ये कहना चाहना जी कि सानू सिर्फ कलियां नौकरियां पिछे नहीं भजना चाहिए, असी अपना काम करके भी अपने सुपने बड़े सोहने तरीके नाल पूरे कर सकते हैं, अपने माँ प्यो का नाम रोशन कर सकते हैं, तो अपने काम दे विच भी बड़िया वधिया ऑपरचुनिटीज़ हैगियां, इन्हां वन्नी भी जरूर ध्यान देना चाहिए जी। सानू सिर्फ कली नौकरी दे पिछे नहीं भजना चाहिए, बल्कि मैं इस चीज़ में और एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि नौकरी में तो सपने पूरे हो ही नहीं सकते, नहीं सकते नौकरी में सपने पूरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी हम जब नौकरी करते हैं हम दूसरे बंदे के लिए काम करते हैं, और जो दूसरे बंदे के लिए काम करके हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहना भी देखो जो आप कोई भी काम करते हैं ना जी, तो सानू प्रॉब्लम्स आनगियां ही आनगियां। जे मैं अज तो 7 या 8 साल पिछे देखदा तो मैनू लगता भी असं आपके काम के जो भी सुधार किया ज कुछ सीखिया जो भी वो प्रॉब्लम्स करके ही सीखिया जी। बिल्कुल ठीक। तो एक जो अपना प्रॉब्लम्स लिए नज़रिया वो बदलने की लड़ होंगी है, प्रॉब्लम एक तजर्बे की तरह लेना चाहिए जी, और तो सीख के फिर अगे मतलब बढ़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए जी। हाँ, मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी लिखा है भी चुनौतियाँ आपको मजबूत करके हाँ जी और आगे अपने रास्ते खोलती हैं आपके, तो जितनी आपके पास चुनौती आएंगी उतने आपके आगे रास्ते खुलते जाएंगे और आप ग्रो करते जाओगे। जब आप ग्रो करना शुरू कर देते हो तो आप अपना ध्यान रख सकते हो, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो, अपने माँ बाप का ध्यान रख सकते हो, अपने समाज का ध्यान रख सकते हो, अपने देश का ध्यान रख सकते हो। तो ये तभी होगा यदि आप कोई बड़ा काम करोगे, प्रॉब्लम से निकलोगे, अच्छा करोगे, अच्छा कमाओगे। यदि आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी में आपका ही गुजारा नहीं होता तो आप कैसे लोगों को किसी की मदद कैसे कर सकते हो? तो ये थे हमारे साथ मनदीप सिंह बराड़, और उम्मीद है दोस्तों ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा और लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू होगी। सो आपने कोई भी कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, चुनौती आती है, उससे घबराना नहीं, उसको बल्कि अच्छे तरीके से देख के समझ के हैंडल करके उसको आगे बढ़ना है। आपको आज कार नहीं चलानी आती तो आप जब कार में बैठते हो, कार का अपनी चाबी लगाते हो, फिर उसका स्टेयरिंग देखते हो, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें आ जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको ना कार का गियर देखना पड़ता है, ना क्लच देखना पड़ता है, कार अपने आप स्मूथ चल जाती है। सो यही जो मतलब आज की इंटरव्यू का हमारा मकसद था कि आपके साथ ऐसे ही पर्सनैलिटी की बात करवाई जाए जिस आदमी ने बिल्कुल माइनस से काम शुरू करके करोड़ों में काम किया और अच्छी बहुत अच्छी रेपुटेशन कमाई और अपने भी सपने पूरे किए, अपने माँ बाप के भी सपने पूरे किए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। सो दोस्तों आज के बाद नई पर्सनैलिटी के साथ फिर मिलता हूँ जल्दी, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।